नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और मार्केट लाइव में चर्चा करेंगे यहां पर अभी के सबसे बड़े टॉपिक की। जो इस वक्त सबसे बड़ा हॉट टॉपिक आज आया है वो है गेहूं निर्यात पर रोक। जी हां, सही सुना है आपने, भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर यानी गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसको फ्री कैटेगरी से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न्स लिए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, कहीं उसमें कुछ खतरा ना पैदा पड़ जाए, इसकी वजह से भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। तो अब सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसका असर गेहूं के बाजार पर कितना पड़ेगा, वीट फ्यूचर्स कैसे रहेंगे, स्पॉट में क्या रहेगा और आगे बाजार में ट्रेंड क्या होने वाला है, ये जानेंगे। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अजय जी। सरकार ने ये जो वीट के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है इसका असर सबसे पहले क्या रहने वाला है? देखिए, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है, जैसे हमने पहले भी देखा लड़ाई के बाद, ये तो चीज कंफर्म थी कि जो भी सप्लाई हो सकती है मार्केट में वो गेहूं की डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज हमारे पास बफर स्टॉक काफी ज्यादा था। अब उसी को देखते हुए हमने एक्सपोर्ट हमारे काफी ऊंचे लेवल पे छूते हुए देखा। हमने देखा 22-23 के अंदर कम से कम, जैसे गवर्नमेंट ने भी जो शिपमेंट के टारगेट रखे थे 10 मिलियन टन के आसपास ओवरऑल टारगेट रखे थे, और हमने देखा इनलाइन एक्सपोर्ट भी अच्छे होते जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं चिंता ये भी थी कि इससे डोमेस्टिक मार्केट में क्या असर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमने देखा कि यील्ड में इस बार ड्रॉप था जी। और कहीं ना कहीं जिस ढंग से हीट वेव है इसकी वजह से ये हमने ड्रॉप आते हुए देखा। तो ये एक तो पैंडेमिक के बाद और दूसरा जब भी ऐसी लड़ाई आती है तो हम फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन भी देखते हैं, जिसमें हमने रिसेंटली देखा कि श्रीलंका काफी लाइमलाइट में रही थी जी। तो ये सबको देखते हुए ऐसे प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी थे, और हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट ने अभी स्टेप लिया है इसी चीज को देखते हुए लिया, ताकि हमारे यहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बने। नो डाउट हमारा स्टॉक काफी अच्छा था, बट इस बार जिस दिन से हम देख रहे हैं कि यील्ड में ड्रॉप है, प्रोडक्शन के अंदर ड्रॉप है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है आगे जाकर, क्योंकि अभी भी ब्लैक सी की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं हार्ड हिट है और जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। मोर देन 70 डेज हो चुका है लड़ाई के, तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है ताकि डोमेस्टिक मार्केट पे जिस ढंग से इन्फ्लेशन हमने 6.8 के ऊपर जाते हुए देखा वो कंट्रोल में आ पाए और प्राइजेस कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखे जी। फ्यूचर अब कैसा रहने वाला है, क्या सरकार ने ये जो प्रतिक्रिया दी है उसका असर अभी वीट फ्यूचर पर कैसा देखने को मिल रहा है? क्या वीट फ्यूचर में भी यहाँ पे कुछ गिरावट आई है सरकार के इस फैसले से? देखिए, अगर हम आप पहले प्राइस की अगर रैली की बात करें तो पिछले एक साल में करीबन 20% की तेजी देख चुके हैं, जनवरी से अभी तक 7% की तेजी देख चुके हैं। आई थिंक प्राइसेस के अंदर थोड़ा एक गिरावट रह सकता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइसेस में कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बने, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो शॉर्टेजेस का एक डर बना हुआ है वो कहेगा कि प्राइसेस को होल्ड ही करेगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की ये स्टेप के बाद मे बी पॉसिबल कि हम 2150 से 2120 तक के लेवल का एक पुल बैक देख पाए। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन बन रही मार्केट में, ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ ही रहेगा। वही मैंने पहले भी आगाह किया था कि जो एक्शन हुए हैं या वीट को देखकर वो ऑलरेडी फीज आउट हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस दिन से हमने रैली बनते हुए देखी है जी। हमने 2011 के बाद का हाईएस्ट लेवल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो टेक्निकली मुझे लगता है कि प्राइजेस में जो पहले उम्मीद थी कि एक अच्छी खासी रैली कर सकता है, 2700-2800 तक के लेवल दिखा सकता है उसके बियॉन्ड, अब वैसा सिचुएशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगले महीने डेढ़ महीने की अगर बात करें तो 2150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा और 2500 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस ढंग से ज्वाइन किए हैं और आगे भी ऐसी करती रहती है तो मुझे लगता है पहले से कंसोलिडेट मूव में जाएंगे। हाँ, तुरंत प्रभाव से अगर हम बात करें तो आपके 10 दिन के अंदर प्राइजेस में करीबन 100 से 125 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है, जो मुझे लगता है कि 2150 से 2180 तक के सपोर्ट होने चाहिए जी। अजय जी, ये जो वीट एक्सपोर्ट पर रोक लगी है इसके साथ साथ अब जैसे हमने वीट की कीमतों आपने बताया कि वीट के प्राइसेस थोड़े इंपैक्ट कर सकते हैं इससे, तो वीट के अलावा और कौन कौन से अनाज होंगे जो इसके असर से थोड़े प्रभावित होंगे?
देखिए ऑलरेडी अगर हमारी सिचुएशन अगर हम देखे या पल्सर्स की, अदर ग्रेन्स की, ऑयल सीड की, सभी में हमने कुछ कंसर्न्स बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अभी अगर हम वीट की बात करते हैं तो वीट पे तो कंट्रोल लगने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल सीड के ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारी इंपोर्ट से सबसे ज्यादा होते हैं। पल्सर्स के अंदर ऑलरेडी पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने जो लाइन ऑफ एक्शन कर रखा है, जिसके चलते आज हम बोल सकते हैं कि एमएसपी के नीचे चना अभी भी ट्रेड कर रहा है, या पल्सर्स में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखी है पिछले साल में। तो आई थिंक बाकी कमोडिटी पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इसलिए पड़ सकता है कि गवर्नमेंट अब एक युद्ध स्तर पे इन्फ्लेशन से लड़ने की कोशिश कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेंस कभी कोई भी दूसरे कमोडिटीज के अंदर गवर्नमेंट जल्दी देखे। तो असेंशियल कमोडिटीज के अंदर आई थिंक मार्केट में स्टेबिलिटी से वीकनेस वाला ही सीन दिखाई दे रहा है, और एक बार हम मई के बियॉन्ड निकल जाते हैं तो मानसून में हम देखते हैं कि ज्यादा करके कंजम्पशन में भी थोड़े बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। तो आई थिंक ऑलरेडी ऑयल सीड्स का हमने देख चुके हैं रिव्यू, या पल्सर्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे कूल ऑफ ही लगता है प्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट एक्शन, ये गवर्नमेंट के एक्शन के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया जय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, जिस आपसे आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी। तो हमारे जो एक्सपर्ट थे उनका तो यही कहना है कि इससे जो प्राइजेज हैं वीट के इन फ्यूचर में भी, यानी कि वायदा बाजार में भी और हाजिर में भी, दोनों जगह थोड़े कूल ऑफ होते नजर आएंगे, यानी कि उनमें थोड़ी गिरावट देखी जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से भारत निर्यात कर रहा था उसमें यही बताया जा रहा था कि जो निर्यात हो रहा है इसमें एक नियंत्रण नहीं है, यानी कि अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। किसान होल्ड कर ले रहे हैं, किसानों से पहले ही उपज खरीद ली जा रही है मंडियों में आने से पहले ही। हालांकि किसानों को अच्छा दाम मिला है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है,